और एक जेनिसिटी वो भी कभी होती है। ऐसे होते हैं क्या होता है, ये जो दिमाग का बल्ब है ना बेटा, उसमें लाइटिंग पहुंचती है और वो बंद हो जाए। तो हमेशा कैसे बैठना है, सीधे बैठना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है ताकि दिमाग का बल्ब जलता रहे। याद रखना बेटा, हमें बताया नहीं गुरु जी ने क्लास में, जब हम पढ़ते थे तो नीचे झुके रहते थे और झुके ही पढ़ते थे तो झुके रहते, अंदर झुके, तो इससे आप थोड़ा परिचित रहते। उसको बोलते हैं बेटा बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका। घर में डर तो उसे सब क्या बेटा नहीं है ना, तो थोड़ा घर वालों को बोल के लिए, जो बच्चा चार पाई पे छः घंटे पढ़ता है ना, वो टेबल कुर्सी पे 10 घंटे पढ़ सकता है बिना टायर्डनेस, बिना फटिंग, बिना थके हुए। क्यों? क्योंकि जो पोस्टर होता है ना बॉडी का, उस पर बहुत जरूरी है। ऐसे बैठते खून का संचार सुनो बहुत उत्साह कम हो जाता है, जो जनरेटर है कमजोर हो जाए, जनरेट कम करेगा। तो बच्चों परीक्षा नजदीक आ रही है, तैयारी अच्छी है, वो तो लग रहा है आप सीरियस है काफी, लड़के ज्यादा सीरियस है कहते हैं आपके लड़की है, खुश रहा हर हालत में खुश रहना है, कोई चिंता तो नहीं बेटा। वेद बेचारा क्या करे, कब तक दवा ले, चिंता नहीं कर। मद्रासी में बोलते पर्व इल्ले, इल्ले का मतलब नहीं, तो पर्व नहीं करती, और हालत में हमें खुश रहना है। जब खुश रहेंगे ना बेटा तो हमारी कार्य क्षमता डबल हो जाए, किसी चीज की परवाह भगवान सब सही है, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच, हमारी थॉट, हमारे आइडियाज, हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव कैसे होनी चाहिए, सकारात्मक, ऑलवेज बी बेटर, ऑलवेज हैव गुड थॉट्स। हमारा दिमाग मैग्नेट है, क्या है तो मैग्नेट क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, लोहा लोहे को आकर्षित करता है। तो हमारा दिमाग है ना बेटा मैग्नेट, 100% मैग्नेट। आप आजमा के देखें इस एग्जाम, आपने भी सोच लिया मुझे मैथ में 100 में से 100, बायो में 100 में से 100, केमिस्ट्री में 100 में से 100, फिजिक्स में 100 में से 100, इंग्लिश में 100 में से 100, हिंदी में 100 में से 100, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। क्यों रोकेगा है क्या, अरे जो सिलेबस से सामने पढ़ने वाले अपन हैं, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास, अपना जो मैग्नेट है उसको ऑर्डर देना है 100 में से 100 100 में से, और मुझे बहुत बड़ा करना है, मुझे बहुत बड़ा करना है। क्यों? क्योंकि अच्छा माहौल मिला है, अच्छी स्कूल मिली है आपको, अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन बेटा कोई कमी तो नहीं है। नागौर जिले में यदि सबसे अच्छी स्कूल है तो मयूर, ताली बजाओ दोनों। सबसे अच्छी स्कूल में हम हैं तो हमें परवाह किसकी, आदमी किससे बनता है, माहौल से। बेटा एक आदमी को अरबपति में बीच रख दो, 5 अरबपतियों के बीच उसको स्कूल में बैठने दो, अरबपति में 5 वैज्ञानिक के बीच में बैठो तो आप वैज्ञानिक बनोगे, और 5 कवियों के बीच में बैठने लगे तो आप कवि बनोगे, और 5 लेखक के बीच में बैठने लगे तो लेखक बनोगे। शक्ति का बहुत सेकंड चार अनेक, जैसी शक्ति करेंगे वैसे बन जाएंगे। मैंने एक कहानी कही थी आपको, कौन सी याद करो, ठीक है तुम्हारा भूल गया हो बेटा। एक संत ने बच्चों को सिखाने के लिए एक चील का एक अंडा उठाया और भूसी के अंडे के साथ याद है ना, शाबाश। तो बेटा जो बच्चा निकला ना चील का, वो
जमीन पे चलने के लिए थोड़ा सा तो वो बच्चा कैसा बन गया? मुर्गी के बच्चे के जैसा बन गया बेटा, कैसे बनाओ? बहुत शक्तिश। तो आपको चील का बच्चा बना है मुर्गी का? शाबाश, जोर से बोलो शाबाश। ये बेटा कहानी मैंने आपको और सुनाई थी, याद है? अपनी कुमारी की धार हमेशा तेज है। कहते हैं ये जो ब्रेन है, ये जो माइंड है, ये जो शरीर है, और इस इंसान में कोई भी चीज है, लेकिन एक्स वाई कोई भी सब्जेक्ट, और याद करने के लिए सबसे इजी तरीका